गुलिस्तान की ख्वातीन के मसाइल हम ख्वातीन ही आगे ला सकती हैं। शुरू में जब मैं इस फील्ड में आई थी तो यहाँ पे लोगों ने ओन नहीं किया था। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियाँ रिपोर्टिंग में आएँ, बिहाइंड द कैमरा भी वो काम कर सकती हैं, एनएलई का काम कर सकती हैं, असाइनमेंट पे बैठ सकती हैं। मेरा नाम सादिया जहांगीर है और मैं 2007 से इस फील्ड में हूँ। मैंने मास्टर्स के दौरान ही, फाइनल ईयर के दौरान ही ज्वाइनिंग दे दी थी। तकरीबन 14 साल हो चुके हैं इस फील्ड में। बलूचिस्तान से बिलोंग करती हूँ, क्वेटा से मेरा ताल्लुक़ है। करियर का आगाज़ किया था वो जियो न्यूज़ से किया था, उसके बाद इसी तरह समा और समा के बाद 92 और अब मैं दुनिया न्यूज़ में एज़ अ सीनियर असाइनमेंट एडिटर प्लस रिपोर्टिंग यूनियन का हिस्सा रही हूँ, चाहे वो प्रेस क्लब हो। और सीनियर नायब सदर भी रह चुकी हूँ, उसके अलावा जो काबीना थी उसके एग्जेक्टिव्स की मेंबर भी रह चुकी हूँ। अभी मैं बीयूजे में एज अ एग्जेक्टिव मेंबर हूँ। शुरू में जब मैं इस फील्ड में आई थी तो यहाँ पे लोगों ने ओन नहीं किया था, एज अ जर्नलिस्ट मेल को ही नहीं ओन किया था, तो ख्वातीन उनके लिए बहुत मुश्किल थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे हम इस फील्ड में कामयाब होते गए, आगे एक्सपीरियंस आता गया तो कॉन्फिडेंस भी आ गया। हम रोड पे खड़े होते थे, लोग हम पे बात करते थे, आवाज़ें कसते थे, जुमले बोलते थे। बहुत मुश्किल होता था, लाइफ करना बहुत मुश्किल हो जाता था, अजीब किस्म के चेहरे बनाते थे, हमें बुरा लगता था, लेकिन फिर भी हम खड़े रहते थे। लोगों को हमने ये बताया कि ख्वातीन इस फील्ड में हैं क्योंकि ये लाजमी है ख्वातीन के लिए, क्योंकि यहाँ के बलूचिस्तान की ख्वातीन के मसाइल हम ख्वातीन ही आगे ला सकती हैं। पहली दफ़ा बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ही प्लेटफॉर्म से हमने अपना एक यंग जर्नलिस्ट ने एक अलग से एक पैनल बनाया और हमने कामयाब, पहले तो नाकामी हुई, नाकामी का सामना करना पड़ा। ये नहीं कि हम अपने साथियों के ख़िलाफ़ थे, हर एक का नज़रियाती एक तब्दीली है, एक चेंज होता है। तो मेरे नज़रियात कुछ और थे, मेरे कुछ और साथियों के नज़र, हमने वो मिलकर एक ग्रुप बनाया, फिर हम जीते भी और माशाल्लाह कामयाबी हुई। लेकिन हम जितनी लड़कियाँ हैं उनमें से मैं और मेरी एक और साथी, हम किसी ना किसी तरीके से अपनी यूनियन में एक जगह हमारी बनी रही है, लेकिन लड़कियां कम होने की वजह से ज़्यादा नज़र नहीं आती इस फील्ड। वर्किंग वुमेन, चाहे वो जर्नलिस्ट हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो अपने आप को घड़ी की सुइयों पे चलाती है। मैंने एक चीज़ ये नोट की है कि वो फील्ड में भी काम कर रही होती हैं, ऑफिस वर्क भी कर रही होती हैं, 9 to 5 वो अपनी सीट पर बैठ के काम कर रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो इस्लामाबाद लेवल पे जो हमारा एक वफाकी लेवल जिसको कहते हैं, उसमें भी नज़रअंदाज हुई हैं ख़वातीन बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट। यहाँ बीट तो है नहीं, मुख्तलिफ बीट्स पे काम करते हैं हम। सुबह मौसम करना है तो दोपहर में आपने कवरेज करनी है धमाके की, धमाके के बाद फिर आपने महंगाई भी करनी है, कचरे को भी करना है, पॉलिटिकल भी देखना है, सेनेट इलेक्शन हो रहे हैं, जनरल इलेक्शन हो, वो भी मैंने ही करना है क्योंकि सुबह की शिफ्ट मेरे पास है। तो उससे एक्सपीरियंस भी हुआ, सीखा भी, मुश्किल भी रही। कुछ लोग आगे जाने नहीं देना चाहते लेकिन जगह बनानी पड़ती है। सबसे कम जो अमाउंट होती है वो क्वेटा ब्यूरो के लिए होती है, हालांकि आपके सामने पूरा क्वेटा ब्यूरो पूरे बलूचिस्तान को चला रहा होता है, वन मैन शो चला रहे होते हैं। हम लोग खबर यहाँ से गवादर की भी देंगे, पंजगूर की भी देंगे, लोरालाई की भी देंगे, ज्यारत की भी देंगे, पशीन की भी देंगे, क्वेटा की भी देंगे। अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ अभी मेरा दिमाग चल रहा है कि वहाँ असम्बली में क्या हो रहा है, वहाँ की खबर मैंने जाके देनी है, फलां जाओ डॉक्टर्स स्ट्राइक पे वहाँ प्रोटेस्ट हो गया है, ये मेरे पास नहीं है फुटेज, किसी और के पास है वो। फिर इससे ना आपकी क्रेडिबिलिटी भी ख़त्म होती जाती है। फैमिली की तरफ से कुछ पाबंदियाँ होती हैं, वो ख़वातीन को नहीं आने देते, बच्चियों को कहते हैं बस डिग्री ले ली है, बस ये काफ़ी है। उसके बाद कुछ की शादियाँ हो जाती हैं यहाँ पहुँचने तक। लेकिन जब फील्ड में कुछ लड़कियाँ आ भी जाती हैं, मुझ जैसी कोई वो होती हैं, तो उनको वो चीज़ें बहुत डिफरेंट नज़र आती हैं, आपकी पढ़ाई से बिल्कुल अमली तौर पर मुख्तलिफ हो जाता है। वहाँ का एक लाइफ स्टाइल कुछ और है, हमारे जब यहाँ पर हम आते हैं तो जब यहाँ पर आके आप उसको कहेंगे ना सुबह 7 बजे आपने आना है, 8 बजे का आपने पेपर देना है, फिर आपने फलां काम करना है, रोज़ एक नया पैकेज भी देना है, वो प्रेशर होता है उनके ऊपर, रोज़ खबर भी निकालनी है, ब्रेकिंग भी देनी है, फिर आपने कहीं ऐसा ब्लास्ट वगैरह हो गया वो जाके भी कवर करना है, खबरें भी निकालनी है, बीच में लोगों के बीच में जाके आपने माइक भी आगे करना है, तो उसमें वो घबरा जाती हैं कुछ बच्चियाँ।
मैं तो ये कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन आएँ, आगे आके काम करें, और जो हमारे चैनल्स हैं वो उसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियाँ रिपोर्टिंग में आएँ, ऑन कैमरा काम करें, बिहाइंड द कैमरा भी वो काम कर सकती हैं, एनएलई का काम कर सकती हैं, असाइनमेंट पे बैठ सकती हैं, अगर झिझक है उनको ऑन कैमरा आने के लिए, स्क्रीन पे नहीं आ सकती, पाबंदी है, तो उनको इतना अवेयर करें कि वो बिहाइंड द कैमरा आपके सामने डेस्क पे काम कर सके, न्यूज़ डेस्क पे काम कर सके, खबरें बनाएं, फीचर रिपोर्टिंग्स करें, उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है।